चलियो कल हम लोग जो है खत्म कर लेते हैं। कल तो पैसा आज हम लोग शुरू करेंगे एक दस लाख, लेकिन उसका हम लोग पढ़ेंगे बेसिक। उचित भैया याद रखिएगा ये बेसिक, जिसका छूट गया वो एक दस लाख सीन के लिए चल जाएगा, समझ पाए क्या? इसलिए बहुत बार और ये जो एक दस लाख सीन में बेसिक पढ़ना है वो कोई हार्ड लेवल के बेसिक नहीं है। जो क्लास नाइन्थ में आप लोग पढ़ के आए पढ़ने और पढ़ने संख्या उसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है? जो नहीं पढ़े हैं ऐसा मान के चलेंगे क्लास नाइन्थ बिल्कुल नहीं पढ़े, इसलिए आप दसवां के अनुसार पढ़ाएंगे, ठीक है? यानी नम्मा नहीं पढ़ने के धोल जाएगा लोचा, तो मान के चलते हैं कोई नम्मा नहीं पढ़ा, सीधे कहाँ पढ़ रहा है? आज पहला दिन आया पढ़ने के लिए, ठीक है? बोलता है ना आज का जाम तुम्हारे ना, आज का क्लास बेसिक क्लास। देखिए सर, इसमें आपको सबसे पहले आपको पढ़ना किसके बारे में है, तो आप लोग बहुत पहले से जानते आ रहे हैं पढ़ने वाली क्या है, जो नहीं जानते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं। सबसे पहले इसका परिभाषा कहता है, परमेय संख्या किसको कहते हैं? तू लोग जानता है परमेय संख्या किसको कहते हैं? बोल। इसका परिभाषा कहता है ऐसा संख्या जिसको पी बटा क्यू के रूप में, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसको कहते हैं परमेय। या पी बटा क्यू का मतलब देखिए संख्याओं को बटा में लिखना पढ़ने कहलाता है, ऊंची कहलाता है। संख्याओं को बटा में लिख देंगे तो ऊंची कह जाएगा, पढ़ने संख्या कह जाएगा, कोई दिक्कत है? पी बटा क्यू को भूल जाएगा, जिसको आप बटा लिख सकते वो सब क्या होता है? आप बोलिए परमे है, तो सर बटा में नहीं लिखा हुआ है, इसके नीचे कुछ और ये बटा में हो गया, कोई दिक्कत? चाहे ये माइनस बने या प्लस बने परमे होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लिख दिए तीन बार दो बटा तीन, माइनस देखे घबरा देगी तो लड़के सर जी परमे है कि नहीं, तो माइनस प्लस और घंटा फर्क नहीं पड़े, समझ में? खाली बटा में लिखा ले तो परमे है। अब बोला समझ गए? अब इसमें दो रूट के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है? जैसे आपको ये देगा रूट हंड्रेड सोल्व है, पूछेगा ये परमे है कि नहीं, अब बोलो ये परमे है नहीं। तो सबसे पहले तो लड़के मान रहे सवाल उठ तो सर जी बोलने का या कुछ हो रहे अपने मन से एक डल के सर जी बोल ले तो बटा में परमे हो गए, देखो नीचे कुछ ने छुपा ले काम परमे, देखो के ठीक से सर बटा में लिखा परमे हो जाए, सर ये परमे नहीं ये ऊपर में होता है, कुछ ही परमे है ये ऊपर में कैसे होता है इस बात को भी तंग करके बाद बताएंगे, ठीक है? पहले अभी इतना बात याद रहे सर, जो रूट से बाहर निकल जाएगा ऊपर में होता है, जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो परमे में। अब जैसे अभी तंग कर पहले हम लिखे थे सोले, नीचे लिखे थे सर सोले निकल जाए, अब आप जानते हैं कि सर सोले जो है चार बार में होता है कि हां सोले रूट से बाहर निकल गया। अब सर इसके नीचे कुछ नहीं कितना है एक, ये बटा में हो गया तीर हो गया परमे में। लेकिन जैसे यार हम यहां पे लिखेंगे रूट हंडर 29 तो बोलिए 29 किसी का वर्गमूल होता है, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये हो जाएगा कुछ कोई दिक्कत? और मैं समझ गए छेटी भी सीधा समझना, जिसको बटा में लिखा उसको क्या कहते हैं? परमे है। हाँ भाई ये किसी का उल्टा होता ऊपर में, जो कि अभी जस्ट अब समझ गए कि अल्लाह ने करो क्लास को शांति बना के रखो, ठोकेंगे तो फिर ओकरा इलाज सीधे सरकारी हॉस्पिटल में, देहो दर्द का लाले गोटिया, सिरो दर्द का लाले गोटिया, कमर दर्द का लाले गोटिया, कान दर्द का लाले गोटिया, मजे भी से के बीमारी के सब ये मतलब सब बीमारी के वो दवाई हुए ना, तो ये दवाई हम भी लिखते हैं। परमे संख्या मतलब जिसको आप बटा में नहीं लिख सकते, जिसको आप बटा में नहीं लिख सकते, सिंपल समझो इसके अंदर सीधे रूट वाला आता है, कौन वाला? रूट वाला आता है। जैसे अभी जैसे का अभी जस्ट एग्जांपल दिए, बोलिए तीन किसी का वर्गमूल होता है, ये हो गया ऊपर, पांच किसी का वर्गमूल होता है, लेकिन यहाँ पे हम दे देने हो तो बोलिए परमे को ऊपर परमे को परमे परमे हो गए, क्योंकि तीन का वर्गमूल तीन का स्क्वायर हो गया अपने ज्यादा अपने लिए वो हम रूट अंडर दस लिख दियो बुझ गए, ये में ए में रूट के जे बाहर में तो हो गए ऊपर में, जे रूट से बाहर हो गए रूट में भी आ, लेकिन रूट से बाहर हो गए तो कुछ हो जाए पर हो गया कोई दिक्कत? आदि तो बात आप सीधे में सॉल्यूशन समझ लीजिए का
अब यहाँ एक बात करके नोटिस लिखेगा एक यहाँ से सर हम लिख रहे हैं सह और भाई पूछिए भैया सह और भाई सह और भाई सह और भाई का मतलब क्या वर्ड लिख दिया समझ नहीं घर लिखते जा आइए समझ आए कहा है समझिए आइए सर जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं सर अठारह बटा चार छोड़िए ताकि सॉलिड में लेते हैं मन कर रहा है का दस दिन कोई बात नहीं आइए सर कट सकता है कट सकता है पहले काट ली गुना आठ है दो पंच दस नौ बटा कितना भी दो एक और कट सकती अब समझे सर भाज का मतलब जब संख्या का लास्ट स्टेप आ जाएगा लास्ट सिचुएशन जिसको अब और नहीं काट सकते उसी को कहते हैं सर्वभाज उसी का कहते हैं जब संख्या को काटते काटते लास्ट पोजीशन पे आ जाएगा नहीं बोले आदमी लास्ट पोजीशन अब तक ये वाला है जब संख्या का लास्ट पोजीशन आ जाता है यानी आप अगर काटे वाला कोई नहीं रहते तो बोल रहे सर्वभाज उधर का बोल रहे जैसे देखिए अठारह वाला दस यहाँ पर जब और काटे वाला रहे दो काटते थे दो मठर दो पंच दस अठारह वाला दस सर्वभाज होते नहीं होते सब भाज को मत दो बटा हाँ ये आप कोई नहीं कर सकते लेकिन जब पलार समझे जैसे नहीं समझे तो दस बटा आठ है आप कुछ वैसा है भाज है तो सब भाज का मतलब होता है मतलब संख्या को लास्ट पोजीशन आना चाहिए उसको काटने वाला खत्म हो जाना चाहिए यानी आप उसको काटने वाला कोई नहीं होना चाहिए देखो किसको अभी कोई काटने वाला नहीं है काटने वाला है अभी सब भाज होगा अभी सब भाज नहीं है उनके लिए दूसरे कट जाएगा ना दो चौके आठ दो पंच पांच बड़ा कितना अब ये पूछिए सर्वभाज का मतलब समझ गए ऐसा संख्या जिसको अब काटने वाला कोई नहीं मतलब उसका लास्ट पोजीशन पे आ गया लास्ट हालत में आ गया हॉस्पिटल भैया भर्ती है कोई दिक्कत सर समझ गए और एग्जाम्पल लिएगा अब यहाँ से कोई ऑब्जेक्टिव पूछते पूछिए पूछता हूँ हर क्वेश्चन में आंसर एक और एक वही हुए समझ में ना अब आंसर क्या है भाई ठीक है सही होगा झोलक ना ये भी सही होगा ये भी सही होगा हम बोल रहे थे एससीएफ तो नहीं निकालता तो एससीएफ तो कैसे निकाले सबसे पहले नौ बटा पांच है तो कैसे तोड़ के लिख ना दोस्त नौ फिर पांच नौ का काका भी सकती सर तीन गुना तीन गुना तीन पांच की खाली पांच अब इतना हम बोलो एसीएफ निकालने के लिए एसीएफ कितना है लेकिन सर जब कुछ हम ले मिले हैं कुछ मिले सब तो गुना मगर मोंस का देख लिया एक मिल गया लेकिन तो रखा हूँ यहाँ पांच बटा चार हो पांच बटा चार है तो पांच और चार के दो लिखिए पांच के तो सर पांच लिख सकते चार के दो गुना बोल कुछ मिल लो जब कुछ नहीं मिले पता नहीं क्या एसीएफ कितना हो एक एग्जांपल और लीजिए एक का भी दो चार पांच हो लेगा ताकि गुना में सेट हो जाए बुझ गई जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे लेते हैं सर चौसठ बटा अड़तालीस आइए सर किसी बार अड़तालीस अच्छी अच्छी फिर कर जाए ना दो अच्छे दो चौके अब जाके चार बटा तीन ले सर भाग दे ना अब ये तो काटे बना ने देखिए एक सर काट लिए बेटा अच्छी अच्छी चौसठ आठ छक्के अड़तालीस आठ बटा छो ले ना आठ बटा छो के डबल काटे बना ले जब फिर काट दे लास्ट हालत पिला देंगे तब पूछे बोले सर भाग लेते हैं ऐसे निकाल चार के दो दो निकाल सकते सर दो गुना दो गुना तीन के तीन कुछ नहीं मिले सब में एक अगर हम बोलो ऐसे कितना होते हैं एक देखो बात देख लिए सर्वभाज संख्या को जब भी ऐसे निकालते कितना है एक और हमेशा कितनों बजे आप क्वेश्चन लेंगे देखिएगा क्यों क्योंकि देखो इसको काटने वाला पर होगा नहीं अब होगा नहीं तो कुछ मैच करेगा कुछ नहीं मैच करेगा कुछ मैच नहीं करेगा क्या मैच एक के बचेगा तो आपके बोर्ड पर उठा बाजार में टेंस देखो पूछा हुआ बोर्ड परीक्षा में सह और भाज्य संख्या का सीएफ कितना होता है कितना होता है भाज्य संख्या का सीएफ ऐसे बता समझा दिए हां किसी को डाउट है नहीं तो हम लोग यहां पेनो देख लिखा देंगे सह और भाज्य का अर्थ होता है कि पूछिए भैया अविभाज्य का अर्थ होता है कि इसका एसीएफ कितना होता है ये भैया एकदम मोस्ट एमएमआई जो है ना का ऑब्जेक्टिव सह अविभाज्य का अर्थ होता है कि जिसका एसीएफ कितना होगा
जिसका एसीएफ एक एक कोई दिक्कत दो इतना चीज को दिक्कत ना अब कोई दिक्कत ना है अपने निकल में आगे बस वैसे खत्म हो गया बस लेकिन एक बात बता चीज को बता दे अपने क्लास नंबर कोई बात नहीं छे टेंशन नहीं लिए छे बुझ लो हम मान के चले जाए थोड़ा कुछ होने कर दो नुमान सीधा आगे होता ना पहले बुझ लो अरे हम तो मजबूरी समझ नहीं यार हम खुद का माल एक बार लिए आज कोई बात नहीं ये तो बुझ गलन भाई जी हो बुझ ले कोता दे सर जी हां कर्म करेंगे नहीं नहीं इसको आरती दिखाना है सुबह साफ करके आइए अब यहाँ पे उधर लिखेंगे दिख जाएगा हाँ बिल्कुल अच्छा दिख जाएगा हाँ आइए अब ना आपके ना एग्जाम में ये सब कुछ है पूछे नहीं बल्कि पूछा हुआ है हम लोग के टाइम में पूछता था तो लगाते थे उस समय ऐसे दे देगा आपको तीन माइनस रूट फाइव पर में है कि ऊपर में ऐसे दे देता तो उसे लगाते थे आइए इसको समझते हैं ट्रिक के माध्यम से बंदर यहाँ देखो तुम लोग क्या चीज बता रहे ट्रिक है गुंजी भैया ट्रिक जब भी पर में संख्या सीधे लिख देते पर में और ओपन दिख जाएगा ना सर उसमें जब भी पर में संख्या और ऊपर में संख्या के बीच में देखो गणित का क्या क्वेश्चन क्या होता है गणित में क्या क्वेश्चन होता है चार जोड़ घटा गुना जोड़ घटा गुना भाग जोड़ घटा गुना जब भी पर में संख्या और ऊपर में संख्या या ऊपर में बोलो या पहले पर में बोलो बात जैसे आप पहले पर में लिखे बाद में ऊपर में आप पहले ऊपर में लिख सकते बाद में बात क्या है ना मतलब खाना ऐसे खो जब भी पर में संख्या और ऊपर में संख्या के बीच में चार दोनों भी निशान दिख जाए वो संख्या कुंजी बन जाते कोई पर में संख्या कोई पर में संख्या पर में और ऊपर में बोल या ऊपर में और पर में दोनों के बीच में दोनों के बीच में जोड़ का निशान या घटा का निशान या गुणा का निशान या भाग का निशान चार गुण को कोई भी निशान आ जाता है तो संख्या में पर में हो जाता है कुंजी हो जाता है पर में इसीलिए लिख दिया पर में ऊपर के बीच में इस दोनों कोण चिन्ह है तो विभाजक बन जाता है कुंजी बन जाता है अभी जस्ट तो रख के पढ़ लिया तीन कुंजी है पर में है कि नहीं जी अरे बटन लिखा लेके ना यार तीन हो गया पर में आधु खंडल फाजी उसके बाहर ना निकलते ये हो गया ऊपर में अब पर में बीच में ना कुछ कुछ ऊपर में है माइनस वाला है पर में ऊपर में बीच में चार दोनों भी नहीं समझ पर में है ऊपर में है तो बोलिए ऊपर में कि पर में ऊपर में आप उम्मीद कर रहे हो कि सब समझ लिए यस यस सर अब हुआ जो लिख दिया रूट खंडल पंदर या बोलिए ऊपर में कैसे हो है ना आप ओकरा पावे छी ये लिख में नीचे तो देखिए भाई जी यस सर देखो भाई जो तीन लिख लिया रूट अंडर पॉइंट में बोल दिया ना संदर्भ की बात बताए देखो भाई ये होगा तो ऊपर में भाई रूट तो बाहर में होता है आई का नीचे हम पूछ रहे हैं कितने छे एक तू जाने छो कि एक पर में संख्या छे और एक है ना यार आई के नीचे पूछ रहे हैं छुपा है कि नहीं नीचे बटा में लिखा गया ऊपर में ना देखो ये भाई के लिए पर में ये है आई बटा मतलब भाग हो छे बटा मतलब हां तो ऊपर में और पर में के बीच में क्या निशान लगे हां हम तुमको बोले हैं पहले पर में नहीं या बाद में ऊपर में या पहले ऊपर में बाद में पर में ऊपर में बीच में कोनो भी निशान नहीं आना चाहिए कोनो भी निशान आ जाएगा तो कुछ हो जाएगा गौर से देखिए आप ये ऊपर में है और ये पर में है पर में बीच में बटा मतलब भाग का निशान आ गया हां ये कुछ होगा ऊपर में तो पर में वाला में जो एग्जांपल यहां अभी बताए थे वहां का सही था कि नहीं था इसीलिए बोले थे तरीके के बाद चीज बताने सब समझ जाए कोई दिक्कत भाई आइए यहां एक एग्जांपल और लेंगे एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं जैसे देखिए यहाँ पे सर यहाँ पे हम लिख दिया टू रूट अंडर फाइव हम आपसे पूछेंगे पर में ही तो पर में पर में अब ऊपर में कैसे तो देखिए टू सर पर में है अरे कहीं चक्कू चक्कू पर है कि नहीं ये हो गया पर में
आई है जब भी ड्यूपल अंक के बीच में जोड़िया घुटा का निशान नहीं रहता, जोड़िया घंटा का निशान नहीं रहता, तो कुछ भी ऊपर रहता है तो पर में और पर में बीच में एमएस कोनो भी निशान आ गए और पर या कोनो भी निशान रहता तो कुछ ही होता और पर है तो आज कुछ हो गए कुछ हो गए दोस्त कोई दिक्कत तो उम्मीद कर लिया आपने हां मान लिया सर जी तो बात मैंने तो वाला ले लिया गुना वाला भी बाटा वाला भी देव पलासो वाला कहन छोड़िए बोलते सब के बोल लियो आपने नहीं ले चल हम लोग एकरो वाला ले लिया चलो कोई बात नहीं है नेक्स्ट पर है तीन पलस उठाने का पांच ये होलो पल में ये हो पल में बीच में पलस करने का दोनों भी निशान पर है पर में भी कटो समाज के लिए होलो अब तो लेके उतार वीडियो करो दे अच्छा से लोग गुड अरे फिर कर चेक कर देखिए इतना तो छोटा सा बेसिक था मैम जो बेसिक आपको 1.3 में 1.3 के सवालों को बनाने के लिए जो बेसिक हमको पढ़ना है वो अब आया है ठीक है वो तो आपको ऑब्जेक्टिव के बताते सब्जेक्टिव के लिए कैसे बनाना है वो आपको लोगों पढ़ना है ठीक है बहुत बारीकी से देखिएगा है बहुत छोटी सी चीज लेकिन समझने में लोचा हो जाएगा लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एकदम यदि पी एक अभाज्य संख्या है और यदि पी ए स्क्वायर में भाग लगाता है तो पी ये में भी ऐसे हुआ हां लगाएगा लगाएगा खा के तो पटक के देखो यहां लिख लीजिए और बीच में बातचीत कर लीजिए बोर्ड पर देख सकता देखो जो बात उसमें लिखा उसी को अपने भाषा में लिखें ठीक है आइए पढ़ते हैं इसको कहता है यदि p एक अभाज्य संख्या कैसा संख्या भैया अब यदि p अभाज्य संख्या है तो यदि अगर अब आगे बोलता है अगर p a स्क्वायर में भाग लगा देगा p ए स्क्वायर में भाग लगा देगा तो पी क्या करेगा ए में भी भाग करेगा यहां पे ए का स्क्वायर है यहां पे ए का स्क्वायर नहीं यानी पी जो है ना ए स्क्वायर में भाग लगाएगा तो पी में भी भाग लगाएगा सर जी कुछ कुछ चीज के कुछ समझ में नहीं आया आइए समझाए कहां चीज समझ लीजिए क्या आइए समझते हैं सबसे पहले भैया अभाज्य संख्या किसको कहते हैं तो जो खुद और एक के अलावा किसी और से नहीं करता उसी को अभाज्य संख्या उसी क्या कहते हैं खुद कल भी सर चर्चा किए थे ना अभाज्य के बारे में अभाज्य का मतलब जो एक और खुद के अलावा किसी और से नहीं कटता उसी का कहते हैं जैसे तीन देखो तीन खुद तीन से कटता है और एक का तीन एक से कटता है उसके अलावा और किसी से कटता है नहीं तीन एक अभाज्य संख्या होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है भैया दो 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 खुद दो से कटेगा और एक से ये बात को याद रखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहां शुरू होता है अब इस बात को समझते हैं पहले यहां पे एक एग्जांपल लिखते हैं ठीक है और उसी एग्जांपल की मदद से आप इस हिंदी में जो बात लिखते हैं वो समझ में आ जाए एक एग्जांपल लेते हैं बहुत बारीकी से देखिए अगर ये चीज समझ गए ना तो 1.3 का सवाल यूं बना दीजिए यहां पे लिखे हैं सर हम यहां पे 3 और यहां पे लिखे 6 का एक बात बताइए सर 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 यहां से यहाँ हम लिखिए एक बार कि p जो है ना स्क्वायर यानी किसी का स्क्वायर को काटेगा p मतलब कोई अंक नहीं कैसा ना अभाज्य वाला कैसा बोला देखो ये p का काम कर रहा है ये किसका काम कर रहा है ये का कि ये अभाज्य संख्या ये p का काम कर रहा है अब कहता है p जो है ना अगर किसी के स्क्वायर वाला को काटेगा ना तो फिर p उसको भी काटेगा जिसका वर्ग स्क्वायर में नहीं समझे आइए सब 3 इस 36 को काट सकता है बारे बार में काट तो 3 किसी के स्क्वायर को काटा है अब ये जिसका स्क्वायर था ना 3 उसको भी काट देगा तो 36 किसका स्क्वायर था 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर किया तो 36 है तो 3 से 6 को भी काट देगा 6 बार में काट देगा लेकिन
अब बात समझे क्या समझना चाहते हैं? समझ गए। कहता है p मतलब कोई वह संख्या है ना, वो अगर किसी के स्क्वायर वाला को काटेगा ना तो फिर p उसको भी काट देता है जिसका वो संख्या क्या था भाग लगा देगा बी का करता है भाग लगाता है यही दिया था। देखो तीन तीन जो है इसके एक अमाउंट मतलब छो छो को तीन काटना है नहीं काटना समझ में आया सर नहीं समझ में एग्जाम्पल कोई बात नहीं कोर्स करनी बात बस इतना हम समझना चाहते हैं कि अगर कोई चीज किसी के स्क्वायर में भाग लगा रहा है तो फिर वही चीज उसके स्क्वायर उस संख्या को भी भाग लगाएगा जिसका वो स्क्वायर एक एग्जांपल जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लेते हैं पांच यहाँ पे लेते दस भैया दस का स्क्वायर कितना होगा 100 अगर ये देखो किसी का स्क्वायर में और 130 दस का स्क्वायर देखिए अब ये एक और संख्या आपको बोल रहा है कैसा संख्या होना चाहिए अगर ये इसमें भाग लगा देगा ना तो यही संख्या उसको भी भाग लगाएगा जिसका ये स्क्वायर जैसे देखिए पांच इसमें भाग लगाएगा तो भैया ये जिसका स्क्वायर था उसको भी पांच कर देगा पांच दस किसका 120 का स्क्वायर था पांच दस भाग लगा देगा अब सर समझे अगर कोई चीज किसी के स्क्वायर में भाग लगाएगा तो वो जिसका स्क्वायर था उसको भी भाग लगा देगा कौन जो हम संख्या तनी सर समझ में ये कभी आप बोला रो एक एग्जाम्पल अच्छा यहाँ कहना क्या चाहता है यहाँ कहना ही चाहता है थ्योरी समझते हैं कि अगर कोई अंक है वो भी कैसा नहीं होना चाहिए अगर कोई अंक ना किसी के स्क्वायर यानी जो वर्ग नहीं होता वर्ग हिंदी वर्ग कहते हैं अगर वर्ग में भाग लगा देगा तो फिर वही वाला अंक जो है ना ये जिसका वर्ग था उसमें भी क्या करता है भाग लगाता है जैसे देखिए यहाँ पर ले लिए सात एक और संख्या है कि नहीं एक और कुछ के अलावा किसी और से नहीं कटता है यहाँ पे हम संख्या ले लेते हैं 14 का स्क्वायर कितना होगा 196 का 14 का स्क्वायर है कि नहीं ये p है कि नहीं कुछ ही अलग ये हो p ये किसी का स्क्वायर नहीं है स्क्वायर वाला क्या बोला जाए अगर ये p जो है ना क्या लिखा है p a स्क्वायर में भाग लगाएगा तो फिर p जो है ना a में भी भाग लगा देगा अच्छा ये a स्क्वायर कैसे लगा यार ये a और a के आपस में गुणा करके तब ना a स्क्वायर है नहीं तो p अगर a स्क्वायर में भाग लगेगा तो फिर p क्या करते हैं मेरे भाग लगा लेते हैं बचपन में हम ऐसे ऐसे बदमाशी कर लेते हैं हमारे क्लास में बदमाशी नहीं करते हैं हमारे आठ से पता चल जाए समझ गए हम खुद बदमाशी का रंग बाज रहे हैं स्कूल हमारे भी बदमाशी करके तो हमें सब पता चल जाए अब इतना धोबो फिर कोचिंग वाला भूल गए यहाँ पी सर ये आपका पी है और ये क्या है ए स्क्वायर और ये क्या है ये है कि नहीं हाँ अरे चौवन एक सौ छह में किसका स्कोर बच्चों ये का काम करेगा किसे काम करेगा अगर ये पी वाला छप्पन किसी के स्क्वायर में काट तब पी पी उसके भी काटते जगह एक स्क्वायर आप हम उम्मीद करके समझ गए कोई दिक्कत नहीं दो चीज समझा में चलो यही दो चीज में समझ में टेबल का फील है अगर कोई टेबल स्क्वायर भाग लगाए थे कि भाई तू जकर स्क्वायर है ना ओकरा भी भाग लगाएगा कोई दिक्कत ना दिक्कत ज्यादा समझ में आए लो ना टेंशन मत ले अभी एक एग्जांपल बताइए वहां सब समझ में आएगा कोई दिक्कत वीडियो करो ऐसा होगा देखो अभी जब बात समझ लिया समझ गए जब बात खुश गए समझे मुआ समझ जाए देखो एक उदाहरण बता दिया ठीक है एक उदाहरण बता दे अगर से दो तीन को उदाहरण मान जा ये उदाहरण जब बता दिया पूछल है और अलावा जो दो तीन का उदाहरण बोला वो भी समझ जाए कोई दिक्कत है जैसे देखो एक बार नहीं बहुत 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 बार ठीक है अब यहाँ पे देखे दस नंबर का क्वेश्चन आ गए उठा के एक बारह करना है बारह का रिश्तेदार हो बारह का रिश्तेदार हो जल्दी अब क्या ईद वाले बार तुम्हारा मंगवा लेते
ईद में कराइए देते रहे कहीं दोस्त ईद में ते छोटी ईद मांगे लो आवाज जो यहां पे एक उदाहरण बता रहे लियो हम ये भी बोर्ड परीक्षा में पूछा लो अपने सहायता से कुछ दूर और एग्जांपल बना लेंगे एक दूसरा तीन के पास राज्य बना लेंगे जो बोलिए सो आ जा जैसे एक यहां पे ले लियो हम कहे तो क्या ए बंदर देख कहे तो क्या सिद्ध कीजिए कि ताकि जैसे लिख रहे हो ना उसे बोलो मैं तो सिद्ध कीजिए कि अरे तीनों वाला होता है तुमको बता देंगे ना रूट टू वाला रूट थ्री रूट पांच जो सब बना आइए ये बोर्ड परीक्षा पूछा हुआ सर कई बार एक बार देखा का दोस्त है वो भी पूछा है सिर्फ रूट थ्री ऊपर में सही है जैसे ही बोले सेम टू सेम होती है बात खाली जहां जहां दूरी को हम पूछ लेते फिर एक बार देखो मतलब तीन का पहला सवाल और तीन का रूट का देखो पर कैसा है इतने बनते कैसे बन गए छोटा कि सवाल मेरे छन भाई रे जब भी इस तरह के सवाल है तो किसी की जरूरत को ऊपर में संख्या एमे जो है ना अपने कुछ कुछ मान ले सिद्ध करेगा सवाल कुछ कुछ अक्सर मान ले पा जाए बुझो yes, कुछ मान लेबे काम मान में एकरा उल्टा कर जाए इस तरह का सवाल में क्या करबे उल्टा बोल तो सिद्ध करो ऊपर में तो अपने को मान लेबे एक रूप की एक परमेश्वर ऊंची है मतलब है ऊपर में अपने मान लेबे और रास्ता में को लेके चलबे बने में और रास्ता में परमेश्वर जेबे अपने करवा दे हां या परमेश्वर के मान लेबे परमेश्वर रास्ता में गड़बड़ा दीजिए हां यस हम जैसे गड़बड़ा देते लिख देबे सॉरी गलती हो गया हम जो माने थे ना रूट टू एक पर में संख्या वो गलत है इसलिए रूट टू एक को पर में संख्या अब बात बोल रहे रूट टू एक ऊंची है मतलब क्या है जैसे इसके पर में लेके चलना है ठीक है ऊपर में कभी पर में हो नहीं सकते तो रास्ता हम कहा देते गलती हो जाते तुम सॉरी बोल रहे ठीक सॉरी सर जी हम जो माने थे ना रूट टू पर में संख्या वो गलत है इसलिए आपको कहना चाहिए इसलिए रूट टू एक ऊंची है सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे भैया जो बोलेगा उसका उल्टा मानना बोला है ऊपर में तो हम लोग मानेंगे माना के रूट टू ए कैसा संख्या है पर में संख्या है अब तू लोग जो बात जानता है जो पर में होता है सब उसको हम लोग बटा में सकते हैं बी बटा क्यूब के रूप में किस रूप में तो हम लोग यहाँ पर बी बटा क्यूब में लिखेंगे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ए बटा में कुछ लिखेंगे भैया बी के जीएफ पे या नीचे जीएफ पे अब ए बटा बी कहाँ सर जी अभी एक एग्जांपल बता दिया ना उसकी और सी बटा क्यूब का चर्चा इधर सी बटा क्यूब मान सकते हो दिक्कत है इतना बात को दिक्कत ये बटा भी कहाँ से ले दोस्त जहाँ ए तथा बी सह अभाज्य भैया सह अभाज्य सह अभाज्य का मतलब ए और बी को आपको काटने वाला अब आगे जो हम लोग चलेंगे ना ए और बी को काट देगा बारी बारी वही हो जाएगा गलती हम पहले मान लिए कि और बी कैसे है ए तथा बी सह अभाज्य ए और बी को आपको काटने वाला नहीं है अभी रास्ता हम चलेंगे ए और बी को काट देगा वही मेरा बात गलत हो जाएगा तो बोल रहे सर हमारा बात गलती हो गई इसलिए रूट हम बोलो कि यहाँ पर से रूट हटावे का क्या करो रूट हटावे के लिए स्क्वायर कर जाए स्क्वायर रूट कर जाए इसीलिए हम लोग क्या करवे स्क्वायर अब इधर स्क्वायर करवे तो बराबर दूसरा कभी कर लेंगे कभी नहीं बजे छह सारी तीन ने उनको एक छह सा हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर यानी बारह कर क्या करें दोस्त यहाँ पे लिख देवे दोनों ओर वर्ग करवे मंदिर का रूट टू है तो दोस्तों रूट टू अब बारह का लेने को तरह ए बटा बी है ना दोनों तरफ क्या कर दे
किधर से स्क्वायर फुट का दिल खाली बचता है जी ये मतलब ही तो मतलब स्क्वायर जो अलग कर अलग अलग कर वैसे ये स्क्वायर गए पड़ जाते हैं इसका गए पे स्क्वायर का तो देख अब देख बदला बंदी कर बता रही सभी कुंची कर वे ये दू है क्या एक रे उठा के बीस पार के जी पड़ेगा बीस पार उठा के दू के जी पड़ेगा का ये बात क्या अपने कैसे लिख सकते कैसे बैठे बीस पार का दू के जी पार उठा के इस पार हमें करे बीस पार जी पे करे बदला बंदी करे कोई दिक्कत यानी अदला बंदी कैसे होता है देखा स्टेप वन है तीसरे स्टेप का एक नीचे कुछ करता पीछे पीछे बनाता तू तो बीस पार सुना करके तू बीस पार उधर पूछिए अब बीएस पर अगर किधर है छोड़ा जाने ली तो दूसरा कर इतने गुना मंदिर भेज देगी ना बीएस पर वाला मैं हां हो गए हैं उतना नहीं करेगा अपन इधर तो रहकर दिमाग में आता जाके बदला बदल दे बीएस पर एक सिद्धू के लिए पर दूसरा बीएस पर के लिए ताकि बीएस पर यहां दूसरी बार है अब बीएस पर जेब पे करा दे दो अरे तुरी के अभी जस्ट पढ़ लिए एक चीज चूंकि टू ए स्क्वायर में भाग लगाता है इसलिए टू किस किस में भाग लगाएगा बोल रहे ये में भी भाग लगाएगा पहले बोले तो बात तुमने बोले था हेलो जी कोई दिक्कत दोस्त इसीलिए वाला बात लिख लिया उतना बड़ा काम था बुझ गए यही जो स्टेप समझाने के लिए कोई दिक्कत आगे चल गया आ गया सजना मोरे आए कि नहीं नागिन का आंसर आ जाओ देखो बात देखिए यहाँ लिखा है टू देखिए दो तेज स्क्वायर भाग लगाइए रे ले यहाँ अभी तेज टू स्क्वायर भाग लगाता है तो फिर टू का क्या करे में भाग मतलब टू ए में भी भाग अच्छा टू ए कैसे भाग लगाएगा भागफल कुछ आया कि नहीं यस सर कुछ क्या है यहां अल्फा तो पता चल गया सर टू आया है ना अगर पूरे काट में तक 2.5 है लेकिन यहां अंक है यहां अंक है तो भाग नहीं लगते जब भाग नहीं लग पाते लेकिन इतना बात हम नहीं जानिए कि दूसरी जगह में भागने में तो कुछ ना कुछ आते जैसे अगर तू 4 को 16 भाग लेगा 4 तक को कुछ ना कुछ आएगा जी चाचा यार यहां अंक है तुमने काट के ला दे यहां अंक है अंक नहीं है लेकिन इतना बात हम जानिए कि जब दो से भाग लेगा कुछ ना कुछ है तब कुछ ना कुछ क्या आएगा हमारे पता नहीं था अपने मन से क्या कर लेंगे सी मान ले रहे कुंची कर ले भैया सी कि जब दू के भाग लगाएंगे कि कुंची है सी अब आगे फिर दीजिए मान अब सी ये काहे मान लिए कुछ भी मान सकते हम सी इसलिए मान लिए क्योंकि ये और विमान चुप ले नदी के बारे में सी कुंची है सी इसलिए कोई दिक्कत ना अब यहां से तक तिरछा तिरछी गुना कर दो कोलो चलो एक एक से गुना कर देवे ए और दू के सी से गुना कर देवे ना सी इसका मतलब क्या है ए बराबर 2c है यानी कहीं ए लिखा लेकर वहां पर 2c लिख सकते हैं ना कहीं पे लिखा लगा बाहर पा नहीं सकते उसी के पीछे अब यहाँ पर जेकर मान लिए ना तो उसे तब मैं कहता एक मान लेंगे क्या मान लेंगे अब यहाँ पे सभी तरह एक मतलब के नजर आ रहे हैं एक जी पर ना टू सी का मान है कैसे मान रहे हैं टू सी साक्षर टू सी मान समझ रहे अब यहाँ पे सभी तरह एक से किससे दोस्त समीकरण एकदम बना दो समीकरण एक में क्या है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा अब मान बैठे ए स्क्वायर अभी ए स्क्वायर भूल गए एक जेब का लिख सकते बस इससे कि जेब हमने क्या लिख लिए हैं आ स्क्वायर लगा लेते हैं पूरा पेपर हो जाएगा बट हम दूंगा था अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 480 का स्क्वायर करेंगे था 2 है था 2 दूना कितना तो 4 4 का लगा 2 स्क्वायर बट हम कुछ नहीं
अच्छा हमारा मर्जी होते, अगर हमारा मर्जी होते दू ने गुना मिलने लगे बटा तो बोले तो इधर बी स्क्वायर है और दू ने गुना मिलने लगे था सी स्क्वायर है। अब गौर से देखें बी एक बटा काहे ले लिए एक बात है ना इस पर। अब गौर से और इस तरह वही वाला खिस्सा हो गया यहाँ दू एकदम ए स्क्वायर भाग लगा लेते हैं यहाँ दू एकदम। अब दू बी अगर दू बी स्क्वायर भाग लगा लेते फिर दू बी में भी भाग लगेगा। अब जस्ट में पढ़ लिया अगर कोई स्क्वायर भाग लगा तो फिर ऊपर वो जिसका स्क्वायर था उसमें भी भाग लगेगा। दू बी स्क्वायर भाग लगा लेते दू बी में भाग लगाएगा। अब यही पे बात हम लेकर कैसे हम ऊपर ऑलरेडी मान चुके हैं ये ऑलरेडी पूछी है कैसे काटे वाला कोई जब यहाँ कटवा देगी एक एक भी कटवा दे लिख रहे दू में भाग लगा रहा मतलब काट रहे थे यहाँ भी दू बी में भाग लगे थे नहीं लगे अगर टू बी एस कर भाग लगा तो टू बी में भाग लगे यही को मिला अपना बात गलत। अब अगर तुम माफी मांग आई एम सो सॉरी जो माने थे ना ये भी अविभाज्य यहाँ तो भाग लगा रहे इसलिए हमारा बात गलत हो गया। कैसे होता दक ये बात समझ में ना। अब यहाँ लिख ले एडवोकेट इतना नीचे लिख दी हमारा पास जगह नहीं छोड़ तो हमें लिखो उनची लिखो भैया। अब यहाँ पे गलती मान उनची मान गए गलती मान गए पहले यहाँ पे क्या वाला बात नहीं होती है क्योंकि टू बी एस पार में लिख जाएगा क्योंकि टू बी एस पार में भाग उनची दोस्त लगाता है इसलिए तू कुंची में भाग रहे थे बी में भी भाग साला तोरण कर समाज जाए चाहे भागे वाला भागे ने किसी लेकर तो मर्मों का संदिग्ध नहीं पहले गलती आई थी मानते नहीं और गलती होता है। अब देखिए यहाँ से बात ना मार रुके नहीं आए एक बार गलती करेंगे ताकि उठा पटक दो हम ने अगर बदमाशी करी समझेगा हम जितना हंसा भाई ना दस बेसी रुला दे कि हाल जाने आपस बेसी समझा रो खा जाने यहाँ लिख रहा है लिया मैं यहाँ कहा दोस्त कुमा देवी सुंदर बना रहे लड़की सब कैसे सुंदर बना रहे लिख देते यहाँ एक दूसरे भी कट रहे हैं अब ये दूसरे भी नहीं कट रहे थे अरे भाग लगा था मतलब कट ही दे रहे यहाँ एक लिखे सुंदर से बरगा ही करवा है यहाँ एक अच्छा भी दोनों ना ए और बी दोनों दो से विभाजित है तो भाई मतलब भाग लग रहे हैं दो से भाग या विभाज्य ऐसे भी सकते हैं भी दोनों दोस्त विभाज्य है तो हमारी कल्पना विभाज्य है इसलिए यहाँ पे इसलिए ठीक से विभाज्य है इसलिए यहाँ पे कोमा लगा दो इसलिए हमारी कल हमारी कल्पना मतलब समझता है सोच अंदर जो मान लिया अपने आप है ना अभी समझे कोई नहीं इसलिए हमारी कल्पना गलत है कि ऊंची गलत है योगी मान लिया सर बात यानी योगी को काटे वाला है ना जैसे ना देख रहे कि योगी कैसे काट रहे हैं यहाँ दिखा दे तो बी के भी दू काट रहे थे दू काट रहे थे बात हमें गलत लग रहा हमने कल्पना कर ली जब हम सोच लिए कि योगी वाले को कोई नहीं काट सकते लेकिन काटे वाला आ रहे हैं तो ये बोले कल्पना हमने गलत हो दिख रही है एतदपि दोनों दोस्त विभाज्य इसलिए हमारी कल्पना गलत है कि एतदपि सहअभाज्य है यार विभाज्य मतलब गलत बात नहीं हो गई सहअभाज्य है। अब देखिए भाई ई दोनों गलत हो गए अच्छी एक ना बराबर अगर ई गलत हो गए तो हम गलत हो गए ये बात समझ लो हम कोई कर लिए गलती हम बोल लगे कि राम लड़की है राम जाने जैसे नहीं लड़का हम बोल दीजिए राम लड़की है उधर से जो है कुछ नाम तो अरमनमा यस सर मतलब हम रहमत राम राम के बोल रहे तू लड़की है अरमनमा हमारा बात का समर्थन करते हो तू जो बात कर ले वही बात हम भी बोले बराबर आते बराबर राम पक्का लड़की है यानी हम भी लड़की
वो डल गया अपने आरमान पे बोले लड़की अब पहले साबित कर लड़की कि राम लड़की है लड़का हमरा बात गलत हो गई हमरा बात गलत हो गई और मुक्त बात गलत हो गई यस सर मम्मा ही बोले के जे तू बोली ना ये बात हम भी बोले यस उसी पर कर रखी ये और भी गलत ना बोले हमारी कल्पना गलत हो गई ये और भी सब भाज नहीं है नहीं क्लियर हमारी कल्पना गलत है के बाकी सब भाज हां अब ये गलत एक बराबर में जिन्हें रूट टू भी गलत हो गई रूट टू कम कौन सी मान ली है पर मैं जानता नहीं क्या रूटी असली मुंगे कुछ पहली बात समझा के चलते हम आगे चल गए रास्ता में कुछ सिचुएशन आए थे और मैं कहते अपने से गलती मतलब अपन से गलती का आते हिसाब ही गलती गलती करते रहिए गलती कर ले और आप रास्ता में देखने सॉरी भी मान लिया है इसलिए इसलिए रूट टू एक्स ऊपर में संख्या है कितना बना दीजिएगा आपको दो नंबर मिल जाए अभी तोरे बात को दूसरा बैंक पे इसलिए बात दूसरा चीज लिखा है मतलब अलग अलग बैच में पढ़ाई ले बात तो नहीं मनाई पीछे होते रहे ना तो यहाँ पर रखना है यहाँ पर समझना है अब बोली समझ में आया जितना नहीं मनी बच गया है एक एग्जांपल के बाद अब तो समय रहा नहीं अब सीधे कर हम लोग एक्सरसाइज एक्सरसाइज क्या सीधे कल एक और बताइए देंगे उदाहरण कितना है उदाहरण नंबर दो थ्री है ना ये हम तुम लोग को देते हैं टास्क ठीक है पहले मारियो वीडियो क्लिप पूरा